गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मुझे पता है आप बेताबी से हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे थे जिसमें हम आपको जज बना के एक जिम्मेदारी सौंप चुके हैं, और इसीलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन फिर भी क्योंकि इन सारी कंटेस्टेंट्स के करियर का वो कहते हैं ना कि मैं हो सकता है छुट्टी कर लेती, मगर मुझे इनका ख्याल आया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत से ये यहाँ इस स्टेज तक पहुँची है, इनको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है जी। तो यहाँ सारी कंटेस्टेंट्स जो कल बच गई थी, 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं टाइम ज़ाया करूँ, वैसे हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, हम डायरेक्ट आते हैं उस चीज़ पर जिसकी मदद से ये आज की एक्टिविटी या आज के जो कॉन्टेस्ट है उसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगी। हमारे पास मोना कामरान है, यास्मीन है, अम्मारा है, सवेरा है, हिरा, शाहीन, सना, और तीसरी कौन है और आखिरी कौन है? शानजे। एग्जैक्टली, ये सब यहाँ मौजूद है, और एक एक करके मैं सबसे उनके पसंदीदा नंबर्स पूछूंगी, और उस डब्बे को खोलने के बाद उसके अंदर से जो भी दुल्हन निकलेगी, अब जो भी दुल्हन क्या, हमारे पास इन डब्बों में 3 दुल्हन हैं, ठीक है? एक है सोहाई अली आबरो, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, और वो अपनी शादी पे हसीन तरहीन दुल्हन लगी है, वाइट जोड़े में मलबूस, इतना खूबसूरत मेकअप, नबीला उनका आई गेस मेकअप हुआ था, आंखों में काजल भरा हुआ था, लाइनर काजल, और अब आई गेस जो आईलिड थी उसे बड़ा लाइट सा मेकअप था, मगर बहुत हसीन दुल्हन लग रही थी। आपके पास चैलेंज यही है कि आज जितने भी तकरीबन आपके पास कपड़े हैं उनके शेड्स मरून और रेड से रिलेटेड हैं, मगर मेकअप आपने ये तीनों में से जो भी आपके जिम्मे आएगा वो करना है। दूसरी दुल्हन है ईमान अली, एज इट इज़ ईमान अली की ब्यूटी जो है उसके तो कहते हैं कसीदे पढ़े जाते हैं, मिसालें दी जाती है, मगर कोई इतनी खूबसूरत लड़की जो हर वक्त जाहिर है ऑब्वियसली मॉडलिंग करती है, मेकअप करती है, कहते थे ना कि ज़्यादा मेकअप नहीं किया करो वरना दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा, लेकिन आई डोंट नो, ईमान अली पे तो इतना रूप आया माशाल्लाह, क्या हसीन और खूबसूरत इनका मेकअप है, और क्या लिप्स, क्या कॉन्टोर, कितना प्यारा मेकअप, अथर शहजाद ने आई गेस इनका मेकअप किया है, और अगर आप लोगों के ज़िम्मे में ये मेकअप आया वाह, तो मुझे लगता है कि वो लड़की अगर अच्छा खेल गई इस मेकअप के साथ तो वो डेंजर जोन में जाने से बच सकती है, ये मेरी गारंटी है। फिर हमारे पास तीसरा मेकअप है नेमल का। नेमल का एक ट्रिकी फेस है, अक्सर आप देखें गोरे रंग की ब्राइड्स आती हैं तो उनका मेकअप सांवले रंग की या डस्की रंग की ब्राइड से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सारा गेम फीचर्स का होता है, और गोरे रंग की बच्चियों जो है उनको बैलेंस करना, कभी वो ग्रे हो जाती हैं, कभी उनको डल कर दिया जाता है, एक आर्ट है। तो इन तीनों मेकअप में से सबसे मुझे लगता है जो टेक्निकल मेकअप है वो नेमल का मेकअप है, क्योंकि ये तकरीबन इसकी नो मेकअप लुक आ रही है फील। क्या आप इस मेकअप के साथ अपनी मॉडल को खूबसूरत बना सकती हैं? यही है आपका इम्तिहान। तो आइए शुरुआत करते हैं। शानजे, बताइए कौन सा नंबर आपने चूज करना है? वही डब्बा मैं खोलूंगी। 5। आपको लगता है 5 आपका लकी नंबर है? पक्का? कभी और किसी जगह जिंदगी में 5 नंबर काम आया है? माइक किधर है? माइक भाग के ले लो शानजे, भागो 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 भागो। हाँ शानजे, मोटी चीजों में कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं, चीज़ मैंने 5 नंबर चूज। अच्छा, आपके दिल की क्या ख्वाहिश है कि इन तीनों में से, सोहाई, ईमान या नेमल, आपके दिल की क्या ख्वाहिश है, तीनों में से कौन सी आनी? ईमान। ईमान, ओके, देखते हैं भाई कि शानजे के दिल की ख्वाहिश पूरी होती है कि नहीं। और शानजे के पास जो दुल्हन आई है वो है नेमल। ये जी मिसेज हमजा अली अब्बासी आपके पास आ गई हैं, और ये मिसेज हमजा अली अब्बासी को जो है आपने गले में टांग कर रखना है थ्रू आउट द शो हैं। चले कोई बात नहीं, हमजा नहीं तो उसकी बीवी ही सही।
हाँ जी सना, सना आपकी क्या ख्वाहिश है, किस नंबर की? नहीं नंबर बताओ अभी, मैंने ही नहीं पूछा। हाँ अच्छा, एट नंबर। एट नंबर। और आपने जो इशारा किया, जो आप यूं यूं करती, सुहाई 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 वाला मेकअप आप करना चाहती हैं, आपकी ये ख्वाहिश है और आपने पुकारा है एट नंबर। देखते हैं कि शांसी की लक कैसी है, क्या इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं। अरे बाप रे, नहीं भाई आज नहीं लगता किसी की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। हाँ आपको भी नेमल वाला मेकअप ही लक में मिला है जी। तो आइए ये हो गया आपके लिए, इसको सीधा कर लीजिएगा बिल्कुल, ताकि पता चले कि आपकी जिम्मे नेमल है। ओके मोना कामरान, आप कौन सा नंबर चूज करेंगी? नाइन नंबर। अच्छा सॉरी, मैं माइक पहुंचा दूं आपको ताकि आगे। आज तो मैंने खुद से पहने, मुझे भगवा लो, उछलवा लो, कुदलवा लो, कुदवा लो, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। नाइन नंबर। नाइन नंबर। ख्वाहिश क्या है आपकी कि कौन सा मेकअप मिलना चाहिए आपको? ईमान। ईमान, ईमान। देखते हैं कि ओहो इनकी ख्वाहिश तो कुछ कुछ पूरे होते नजर आ रही है, क्योंकि मोना कामरान को मिल गई है ईमान। ये जी मोना कामरान, ये लीजिए, जल्दी जल्दी देती हूँ आपने गले में। मेरी हेयर ब्यूटी पार्लर की ओपनिंग हुई थी। अच्छा मजे की बात ये है कि ये जो है ना ईमान, इसकी नकुश है खूबसूरत, खड़े खड़े आपके पास जो आपको मॉडल मिली है उसके नक्श भी खड़े हैं। अगर आप ऐसा मेकअप कर गई ना तो भाई आपकी जीत है। ओके जी यास्मीन, मैं उधर इधर इधर खड़ी हूँ। यास्मीन कौन सा नंबर चूज कर रही है? सेवन। सेवन। वैसे आपसे भी यही पूछूंगी सवाल, आपकी क्या ख्वाहिश है कि क्या उस सेवन नंबर के डब्बे में से तीनों में से कौन सी दुल्हन निकले? ईमान। ये सब ईमान के पीछे दीवाने। तो सेवन नंबर में से यास्मीन की ख्वाहिश तो नहीं पूरी हुई, क्योंकि इनको मिला है सोहाई का मेकअप। लेकिन खैर सोहाई के मेकअप में भी खेल है। ये लीजिए। ओके हाँ जी, अब मैं पूछूंगी आपसे सवाल। अमारा, अमारा कौन सा डब्बा चूज करने वाली? नंबर वन। ख्वाहिश क्या है? सोहाई की ख्वाहिश है नंबर वन में। क्या ले उल्टा चेंज कर लो, यास्मीन ने मांगी ईमान, मिल गई सोहाई, और माना ने मांगी सोहाई और मिल गई ईमान। बट्टा सट्टा कर लो। मॉडल बदल दो। ये लो, ये आ गई ईमान आपके गले में। अच्छा जी शाहीन साहिबा, क्या फरमाइश है बेबी? कौन सा नंबर? उधर कहाँ देख रही हो? उधर देखो। नंबर टू। और ख्वाहिश कौन सी तीनों दुल्हनों में से? कौन सी? नेमल लाइट प्यारा मेकअप। क्यों हमजा की फैन है आप, है ना? हमजा नहीं तो हमजा की बीवी ही सही। टू नंबर, टू नंबर चूज किया है और आपकी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, आपको मिल गई है सोहाई अली आपड़ो, नेमल नहीं मिली आपको। ये लीजिए। हाँ भाई हेरा, तुम्हारा क्या इरादा है, तुम्हें क्या चाहिए? माइक आगे बढ़ाओ। कोई भी आ जाए लेकिन हो अच्छा सा, मैं खुद अच्छा कर लूँ उसे। कोई भी आ जाए तीनों में से कोई भी? हाँ जी। नंबर बताओ। एट। एट। एट तो खुल चुका है, सॉरी। आपके पास जो नंबर अवेलेबल है वो है 3, 4 और 10। इन तीन नंबर में से चूज करो, 3, 4 और 10। 4। 4। ओके आपको मिली है सोहाई अली आबड़ो, सोहाई का सोहाई वाला मेकअप आप करेंगी। अच्छा जी आप भी बता दें हेरा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, कौन एक रह गया? सबका कर लिया ना मैंने? हाँ जी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, नंबर 3 और नंबर 10। क्या चूज करेंगी आप? नंबर 10। और नहीं नंबर 6 भी है, सॉरी, नंबर 6, नंबर 3 एंड नंबर 10। 10। 10। ख्वाहिश क्या है? ईमान अली। देखते हैं, नहीं मिली ईमान अली। तो मुझे लग रहा है भाई टीम में सबसे ज्यादा नेमल की डाली है पिक्चर्स, हैं? नेमल निकली है आपकी। और जनाब इससे पहले कि मैं आप लोगों का टाइम जरा सा भी जाया करूं, मैं बुलाने जा रही हूं अपने जजेस को। आप सबके पास आ चुकी हैं वो मेकअप्स जो आप लोगों ने करने हैं, और हम उसी हिसाब से जजमेंट भी करेंगे
और आप भी उसी हिसाब से जजमेंट करेंगे। आइए वेलकम करते हमारे जजेस को। हमारे साथ हैं एंजी मार्शल, बीनेश परवेज एंड नादिया हुसैन। अलग अलग कुछ होना चाहिए। आज का जो हमारा टास्क भी हमने इनको दिया है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। जो लेटेस्ट दुल्हन है और खास तौर पे व्हाइट कपड़ों में इनका मेकअप हुआ है, और यहाँ उल्टा ये है कि इन सब ने रेड पहने हुए। तो कोई मतलब लाइक मेकअप तो किसी भी कुछ भी, हम तो यही बताना चाहते हैं कि जो आपने पहना होता है वो जो ना ग्रीन ग्रीन डब्बे बनाते हैं, ग्रीन रंग का जोड़ा तो ग्रीन ही आई शेडो लगेगा। जरूरी नहीं है, मेकअप का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि जो कपड़े पहने उसी की मैचिंग आप आंखों पे भी कर दे। चेहरे के हिसाब से होता है ना कि क्या सूट किस पे करता है। अच्छा मैं चाहूंगी कि हम टाइमर दे दें इनको, मेकअप शुरू कर दे, फिर मैंने आपसे ये तीनों मेकअप डिस्कस करवाने ताकि लोगों को। सिर्फ तीन है मेकअप? हाँ, निर्मल का मेकअप है, ईमान का मेकअप है और सोहाई का मेकअप है। इन तीनों मेकअप्स को इधर उधर करके सबके गले में जो जो हार डाला है इन्होंने वही मेकअप कर दिया। ठीक है, 25 मिनट का मेकअप का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। लगाओ टाइमर, लग गया, टाइम शुरू हो गया है। आइए प्लीज जजेस, आप चाहें तो यहाँ खड़े रहिए, आप यहाँ वहाँ बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं। मेकअप याद रहेगा आपको? बात डिस्कस कर ले। क्या इनके साथ? नहीं, लड़कियां तो अपने काम में लगा काम में अभी। हाँ। उनको जो मिल गया है वो। हाँ, बीच बीच में फिर आप उठ के आके सही करते रहेगा। अभी आप लोग उधर बैठ के मुझे आपसे कुछ सवाल कर दें। हाँ। वो फिर मुझे बता दें, वहाँ बैठ जाए ताकि। जी, तो जो हमने टास्क दिया है हमारी कंटेस्टेंट्स को और वो तीन ब्राइड्स यहाँ हैं, मैं चाहूँगी कि हम मेकअप को डिस्कस करें। अगर हो सके तो सोहाई की, अगर आपको आंखें बंद की कोई पिक्चर या कुछ
मोबाइल है आपके पास हाथ में? उधर है मोबाइल, कोई जरा अपने मोबाइल पे सुहाई की एक पिक्चर खोल के दिखा दे ताकि आप उसके मेकअप को सही से एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जो है वो उसका मेकअप हुआ हुआ है, आंखें खुली हैं और पता नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर हमें मिल जाएगी तो ज़रा हमारी कंटेस्टेंट्स को आसानी होगी। अभी ये बेस लगाने की फॉर्म में है। मैं शुरू कर रही हूँ नेमल से। नेमल, मिसेस हमजा अब्बासी जो हैं, इन्होंने मैंने सुना है कि इन्होंने खुद ही मेकअप किया था शायद, बहुत सॉफ्ट था। क्या इस मेकअप को एक्सप्लेन करें प्लीज़? इसको नो मेकअप तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने आंख पे शिमर्स दिए हुए हैं, पतली, हाँ, बिल्कुल बारीक, आप देखें बिल्कुल बारीक वाली पलकें लगाई हैं, हाँ, और या तो फिर हो सकता है कि वो जो इंडिविजुअल्स आती हैं ना वो लगाई हों, क्योंकि वो बहुत नेचुरल लगते हैं। लाइनर भी बहुत पतला है, एंड हाँ लाइनर पतला है, बहुत पीची सा ब्लश है, वेरी लेस कॉन्टोरिंग, हल्का सा ग्लॉसी पीची लिप्स दिया हुआ, दैट्स इट। और बाल, बाल कैसे बने हुए? बाल थोड़े हाई हाई किए हुए, हाई है, बैक कॉम्बिंग है विद द साइड पार्ट, साइड पे नीचे की तरफ जी है, और यहां से देखो इस जगह पे ये बैक कॉम्बिंग है, वैसे बैक कॉम्बिंग है, ताकि ये कि ये जो पूरा आ रहा है यहां से जो आ रहा है वो अच्छा जरा थोड़ा सा वॉल्यूम रहे, ताकि दुपट्टा भी टिका रहे ना। दुपट्टा इसीलिए हाई लग रहा है, दुपट्टा इसीलिए हाई लग रहा है क्योंकि वहाँ पर ऊपर बैक पे बन बनाया हुआ है। ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक ले रही हूँ। इस वक्त मेरे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके पास 20 मिनट्स का टाइम है। वापस आके सुहाई और ईमान अली के ब्राइडल लुक को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जजेस फिर याद दिला दूँ, जिम्मेदारी आपकी है थोड़ी सी कड़ी, आपने नजर रखनी है एक एक चीज पे, ताकि आप अपनी जो फैसले का इजहार है बड़े इंसाफ पसंदी से कर सके। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, चूलो आसमां, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं चूलो आसमान का आज थर्ड डे है, 8 कंटेस्टेंट्स हैं हमारे पास। एंजी के पास कितनी रह गई हैं? दो, एंजी हमेशा आपके साथ ही क्यों ऐसा होता जी, मेरे से जुल्म हो जाता है। बाकी नादिया और बीनिश तीन है, yours is the blue team. तो किसकी गई थी? ब्लू, मेरी मेरी, ओके अच्छा, माइनस आपकी तीन है, बीनिश की दो है और नादिया की तीन है, नहीं हाँ सही 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 कह, सही कह, नादिया के हिस्से में हमेशा हैवी चंक आता है, यस हाँ, वैसे ये बात तो तय है। तो अब 8 मिनट 24 सेकंड्स का टाइम रह गया है, आप लोग उसके बाद फिर नहीं अपना मेकअप दिखा सकेंगे, अपने गुर दिखा सकेंगे, अपने टैलेंट को दिखा सकेंगे। अब हम बात कर रहे थे मेकअप की, ब्रेक पे जाने से पहले सबसे पहले आपने डिस्कस किया नेमल का मेकअप, अब हम आते हैं ईमान के मेकअप की डिस्कशन पे। जी अथर शहजाद ने आई गेस ईमान को दुल्हन बनाया था, और ईमान मॉडलिंग के करियर में भी ज़्यादा उनसे ही मेकअप कराती थी। ये कौन है, किसका सर आ रहा है? हाँ और शादी पे भी उन्होंने अथर शहजाद को ही चूज़ किया, क्योंकि आप कंफर्टेबल होते ना किसी के मेकअप से। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे लोगों को, इनको 7 मिनट बाकी हैं अभी। इनका तो टिपिकल जो ग्लिटर वाला मेकअप है, इनकी आंखों पे भी ग्लिटर है, लाइनर बड़ा अच्छा डिफाइंड सा लाइनर लगा है, और अंडर आई जो है वो इनका सॉफ्ट सा कलर लगा हुआ है अंडर आई पे, स्मोकी टाइप। लेकिन लिप कलर जो है वो, क्योंकि इनका वाइट ड्रेस है तो लिप कलर बिल्कुल लाइट सा लिप कलर है, एंड ओवरऑल जो है बड़ा ग्लॉसी ग्लॉसी सा है मेकअप, शिमरी। और जो लिप लाइन जो है नादिया, वो लिप लाइन थोड़ी सी डार्क है, और जो अंदर फिलिंग की हुई है वो थोड़ा सा लाइटर पिंक से है, और लिपस्टिक बिल्कुल मैट है, लिपस्टिक बिल्कुल मैट है, बिल्कुल हाँ। और नाक पे इन्होंने शिमर दिया हुआ जी, हल्का शिमर, और कहीं और कहीं फेस पे, चीक्स पे भी शिमर भी है, बिल्कुल बिल्कुल ओके, पूरा बड़ा ग्लोई सा मेकअप है। ठीक है ठीक है, आइए जी एक्सप्लेन करें सुहाई के मेकअप को, आपने देख भी लिया होगा अभी जी, जी जी हमने हाँ। अभी वीडियो भी निकाल के देखी है हाँ। ताकि क्लियर हो जाए, और हमने कंटेस्टेंट्स को भी दिखा दिया है। अच्छा। सुहाई का मेकअप जब हम इस तरह से देख रहे हैं तो एक ग्लिम्स में ऐसा लगता है कि स्मोकी है, लेकिन जब हमने इनकी वीडियो निकाल के कंटेस्टेंट्स को भी दिखाई है तो बड़ा ब्लेंडेड सा, बड़ा नेचुरल है, लेकिन जो काजल और लाइनर है उसको थोड़ा स्मज किया हुआ है,
लाइनर वैसे डिफाइंड है, नीचे से स्मज्ड है और अंदर काजल भी है, तो बड़ी इनकी डिफाइंड आंखें हैं यूं करके, और अंडर आई पे काफी डिफाइंड है। आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है वो बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन इस तस्वीर में नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से लड़कियों ने स्मोकी कर दिया था। तो हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने सही किया क्या? अभी हाँ, उनको बताया है, जिनके पास सुहाई का आया है उनको बता दिया है कि वो क्या करें। ओके ओके, क्योंकि वो खुली हुई आंख से स्मोकी लुक आ रहे हैं, मगर वो अपर आई आप कह रही है कि सॉफ्ट है, और लेकिन लोअर आई जो है उसको बाकायदा प्रोमिनेंटली डिफाइन किया गया है, काजल, लाइनर, काजल, आई शेडो से ब्लेंड किया गया है ना, ताकि वो लॉक हो जाए। और अक्सर क्या होता है, पुराने जमाने में काजल होते थे वो तो फैल जाते थे, ये वाला जो लुक है ये आजकल जो अक्सर आफ्टरनून की ब्राइड्स हैं या समर की ब्राइड्स हैं, तो काफी ज्यादा लड़कियां चाहती हैं कि इस तरह का उनका मेकअप किया जाए। अच्छा, जो ब्राइडल, अच्छा कि काजल भी हो लेकिन सॉफ्ट भी हो। जी हाँ जी, ओवरऑल सॉफ्ट लुक भी आए लेकिन डिफाइंड भी रहे। पर लिप कलर बिल्कुल लाइट है, क्योंकि अगेन इन सब ने जो है वो व्हाइट ऑप्ट किया पहनने के लिए, तो उस हिसाब से जो है वो इनकी लिप कलर भी बहुत लाइट है। किसी ने अच्छा, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने नेमल की बहन का मेकअप आई थिंक करवाया था ना? नहीं नहीं, उनका कभी भी हाँ, नेमल की बहन का करवाया था, बिल्कुल करवाया था, जिसके अंदर उसने रेड व्हाइट के साथ उसने रेड लिप कलर पहना हुआ था। नहीं करवाया था या हमने डिस्कस किया? हमने सज्जल हमने डिस्कस किया होगा हाँ हाँ, लेकिन उसमें जो है वो उसने बिल्कुल लाइक बिल्कुल प्लेन सा मेकअप था उसका, आंखें भी बहुत उसकी यू नो लाइक ओवरली डिफाइंड नहीं थी, लेकिन लिप कलर रेड था। 4 मिनट 19 सेकंड्स रह गए हैं आपके टाइम को ख़त्म होने में, और देखना ये है कौन किसको कैसे फॉलो कर पाता है। क्या आप वही मेकअप जो आपके दिमाग में है आप वो कर सकते हैं, या जो आपको टास्क दिया जाए ये टास्क रखने की रीज़न लॉजिक क्या होती है? लॉजिक ये होती है कि अक्सर लड़कियां आपके पास भी आती होंगी सैलून में और तस्वीर लाती हैं, सुने मेरा इनके जैसा मेकअप कर दें, और आप एज अ ब्यूटिशियन, मैं आप लोगों से भी बात करूँ, नादिया और बीनिश सॉरी, मैं आप लोगों से भी बात करूँ, एक्चुअली करी आप लोगों से बात, जी सॉरी सुना आप लोगों ने? नहीं वो एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग द मेकअप। अच्छा हाँ, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि ये जो टास्क हमने रखा है इसकी रखने की ये लॉजिक है कि जब आपके पास दुल्हनें आती हैं तो वो तस्वीर लेकर आती हैं हाँ, और वो कहती है मेरा इस तरह का मेकअप कर दें, ऐसा होता है क्या आपके साथ? बहुत होता है, बहुत होता है। तो अब एज ए ब्यूटिशियन उनकी जो ख्वाहिश है उसको आप मद्देनजर रखते हुए कहते हैं हाँ ठीक है हम ट्राई करते हैं। देखिए तो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो खुद क्या पहन रहे हैं हाँ, क्या उनकी ज्वेलरी है, क्या उनके आउटफिट का कलर है हाँ, और जो रेफरेंस पिक्चर वो लाए हैं आया वो कनेक्ट होती है कि नहीं होती है, प्लस उनके अपने फीचर्स को ख्याल में रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब लेट्स सपोज अगर सुहाई की फोरहेड बड़ी है या ईमान ने बहुत बड़ा पेंडेंट का टीका लगाया हुआ है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक बच्ची आती है जिसकी फोरहेड ही बहुत छोटी है और वो मुझसे कहे कि जी मुझे ये वाला टीका लगा दें, तो नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके हेयर स्टाइल के साथ भी नहीं जाएगा और वो उसकी फोरहेड पे बैठेगा ही नहीं, वो तंग करता रहेगा, छोटा साइज लेना पड़ेगा, छोटा साइज लेना पड़ेगा। तो हम इस तरह की चीजें जब रेफरेंस पिक्चर हमारे सामने होती है, आप मुझे बताएं किसी ने कहा कि सुहाई जैसी आंखें बना दें हाँ। अब देखिए सुहाई की आंखें तो बड़ी आंखें हैं ना, तो उस पर काजल और ये सारी चीजें लुक, अगर उस लड़की की आंखें इतनी बड़ी नहीं है तो हम उसे बैठ के कंसल्टेंसी देंगे ना, इसीलिए कंसल्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा ब्राइडल अच्छा, अच्छा। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों से कहूँ कि जब बुकिंग्स के लिए आते हैं तो ब्राइड को जो भी बच्ची है उसको साथ लेकर आए, अम्मा खाला पुप्पी आके बुकिंग ना करवाएं, ताकि एटलीस्ट जो भी मेकअप आर्टिस्ट उसको बुक कर रहा है वो उसके सामने पता हो उसको कि जी ये बच्ची है और उसकी क्या स्किन के इश्यूज हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, और जो भी सवाल आपस में करने हैं वो उसी वक्त की 10-15 मिनट की कंसल्टेशन हो जाए, यू नो। 1 मिनट 47 सेकंड्स लेफ्ट, आप लोगों ने हाथ जल्दी चलाना है, मैं थोड़ी सी परेशान ही हो रही हूँ कि किसी ने लाल लिपस्टिक इस्तेमाल कर लिया तो लाल तो मुझे नजर ही नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैं अगर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आज कल से ज्यादा बेहतर काम हुआ है, बड़ी नीटनेस है सबके मेकअप में आज। और अच्छा हाँ, लेकिन जिसका हाथ ज्यादा
मेकअप करने का आदि होता है, चाहे आप उन्हें कम मेकअप करने का भी कह दो, वो करता होता है। ये थोड़ा मसला है, क्या है ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ मैं अगर अपनी टीम का कहूँ तो बाय चांस लकीली इन सबको जो है वो हैवी मेकअप ही मिला है, इन द सेंस कि ईमान का जो मेकअप है, दो को ईमान का मेकअप मिला, ईमान का मेकअप दो को मिला है। हाँ दो को मिला, ईमान को किसका मेकअप? हमारा को भी मिला है, मोना को भी मिला है। नहीं आई डोंट थिंक सो, हाँ ईमान का, ईमान का है। अच्छा हाँ, बीच में सिर्फ इसका यास्मीन का सुहाई का है और मोना का भी ईमान का है। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं। तो ईमान का मेकअप लाइट नहीं है, ईमान का मेकअप जो है वो उसकी आईज बड़ी डिफाइंड है, क्योंकि प्रॉपर मेकअप है, आईज में यू नो अच्छा लाइनर थिक दिया हुआ है। 28 सेकंड्स लेफ्ट, सिर्फ 25 सेकंड्स रह गए भाई, क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा? हाँ किसका रह गया है काम? सबका हो जाएगा। ग्रेट, ये आपकी जीत है कि आप अगर टाइम पर मेकअप कंप्लीट कर लें। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके जी स्टॉप, रुक जाओ मेरी दोस्तों, मेरी सहेलियों जी आइए जरा देखते हम। हाँ इधर से हमारा से शुरू करेंगे, इधर आ जाएं आप तीनों, इधर आ जाएं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं आज की ब्राइड दिखाने से पहले मैं हमारा का कल और परसों का काम आप लोगों को एक दफा दोबारा दिखाना चाहूंगी, ताकि आप इस पे जायजा ले सके कि हमारा की इंप्रूवमेंट कितनी आई है। आइए दिखाइए हमारा का पहले दिन और दूसरे दिन का काम। हाँ जी हम वेट करें जी, ये हमारा का पहले और दूसरे दिन का काम है, ठीक है। अब आइए हमारा का तीसरे दिन का काम हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारा के मॉडल पर आइए, हमारा को जो है वो ईमान अली का जो क्या कहते हैं उससे मेकअप वो मिला। और क्या लगता है आप लोगों को कि ईमान अली के मेकअप जैसा कुछ भी है? लाइनर तो बिल्कुल नहीं है, लाइनर अभी और हाँ डिफाइन होना है, और अंडर आई में भी अभी नहीं किया है। हाँ अभी माइक से बात करें, आपकी आवाज़ नहीं आई। माइक इधर उधर जहाँ भी हो ना, माइक किसके पास है? एक सेकेंड, आज तो आप लोग मुझे भगा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं गुस्से वाली का, वरना हील में तो भाग नहीं सकता ना बंदा कोई। जी लाइनर भी नहीं लगा और आईज के नीचे भी शेड भी नहीं लगा। अच्छा तो ये आपका भी इनकम्प्लीट मेकअप है, ठीक है फिर अभी फायदा नहीं है इस पर कोई तबसरा करने का। आगे बढ़ते हैं जी, यास्मीन, यास्मीन का कल और परसों का मेकअप हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जी टीवी पर जी। यास्मीन की पहले दिन का और दूसरे दिन का मेकअप, और अब इसको देखने के बाद आइए यास्मीन के आज का मेकअप देखते हैं। आंखें बंद करो, यास्मीन ये कंप्लीट है या अभी तुम्हें कुछ करना था? थोड़ा सा अभी है, लाइनर वगैरह जो। ओके जी कुछ कहेंगे आप लोग? मेरे हमें यास्मीन ने बिला वजह ग्लिटर का इस्तेमाल कर दिया। मैंने ही उसको कहा था एक्चुअली, बिकॉज उसने स्मोकी कर दिया था, तो मैंने कहा था वो स्मोकी को हार्ट कैसे स्मोकी वो कैसे आप क्यों करेंगे, तो फिर मैंने कहा उसके ऊपर गोल्ड का लगा दो। हाँ सो इस वजह से लैश लगाई है ना। क्या 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 स्केल रखूँ मैं, 10 से क्या कहेगी आप नंबर, अभी कितने मिल सकते हैं यार? अभी तक इनकम्प्लीट लुक है, और इसके भी हमारा के भी बताइएगा नंबर। लेकिन लगाते हैं,
हाँ, या तो लिपस्टिक डार्क है बहुत ज्यादा, लिपस्टिक डार्क उसकी पेल पीच है, उसकी पेल पीच है मोना कामरान का मेकअप देखे जरा आके बंद करो मोना को कितना शौक है ना बहुत सारा मेकअप करने का वही तो मैं कह रही थी जिसका हाथ को आदत होती है ये वो है जो मैं बड़ी होके मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी कैमरा कैमरा अच्छा अभी वैसे तुमने आईब्रोज वगैरह नहीं हाँ, ये रह गई मस्कारा रह गया मस्कारा आईब्रो और मस्कारा ये है क्या ईमान वाला मेकअप है हाँ अभी क्यों इनकम्प्लीट लुक है इनकम्प्लीट है कम्प्लीट नहीं हुआ तो करो दिखाएं जरा मोना कामरान के कल और अंडर दी आई तो काफी हद तक उन्होंने कॉपी किया है मोना का कल का और परसों का मेकअप एंजी देखिए जरा आपका आपकी बात नहीं आ रही अभी यार First day was worse, second day was better. अब let's see आज क्या वो करती हैं। अभी हम आपके मेकअप को देखकर कोई फैसला ही नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट है कोई ब्लेंडिंग नहीं और आपको देखने के स्क्रीन चीजें रखी हैं। आईब्रोज भी नहीं हुई थी ना आईब्रोज। चीजें रखी हुई हैं ये सब चीजें ब्लेंड ही नहीं हो रही। ठीक है। अब मैं उधर जाऊँ शाहीन के पास। ठीक है। प्लीज सब कैमरों का ख्याल रखें। जी जी हाँ। जी शाहीन की कल की और परसों की लुक शाहीन की कल और परसों की लुक देख लें प्लीज और फिर आप लोग तबसरा कर सकते हैं बीनिश आप भी पीछे देखिए थोड़ा सा सिर्फ शिमर ऐड कर दो ब्राउन वाला जो थोड़ा सा ब्रोंजी वेरी डल गोल्ड वेरी डल गोल्ड सिर्फ हल्का सा अदरवाइज वेरी नाइस ब्लेंडिंग वेरी वेल अप्रिशिएटेड अच्छा लग रहा है बहुत और लिपस्टिक पे थोड़ा सा ग्लॉस करें अदरवाइज कलर भी बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं दो दिन से ज्यादा आज इनकी ब्लेंडिंग में और बहुत बेस भी बहुत अच्छी लगाई हुई है अच्छी ब्लेंडिंग की है नॉट बैड कुछ फेसेस होते हैं जैसे ये कि बहुत इसका बड़ा टेक्निकल मेकअप होता है बड़ा प्यारा फेस है बगैर मेकअप लेकिन जब आप मेकअप करते हैं तो बड़ा टेक्निकल मेकअप होता है बहुत अच्छा संभालना होता है क्योंकि मैं इसको जो संभालता मैं कहती हूँ उसको मेकअप आता है क्योंकि इसका बहुत मेकअप वाला फेस नहीं ये वैसे सॉफ्ट मेकअप में ज्यादा प्यारी लगती नहीं तुमने तो कितनी दफा मेकअप किया है पर दो दिन से इनकी ब्लेंडिंग थोड़ी सी सही नहीं जा रही थी लेकिन आज बहुत अच्छी ब्लेंडेड मेकअप प्रैक्टिस वेरी गुड स्क्रीन पे तो आप बता सकेंगे वो सामने भी लगा हुआ है इधर भी देखो सेकंड डे इज बेटर देन द फर्स्ट डे एंड आई थिंक टुडे इज आल्सो मच बेटर मच बेटर गुड इंप्रूवमेंट अगेन थोड़ा सा ग्लिट गोल्ड लगा गोल्ड हां गोल्ड ऐड करो ग्लिटर नहीं और थोड़ी सी अंडर आई पे और कर सकते हो ग्लिटर नहीं लगाना शिमर लगाना बहुत कंजूसी से काजल लगाया है खत्म हो गया क्या डर डर के वहां तो सुहाई पूरा नबीलास का काजल उसकी आंखों में लगा दिया है हां हां बिल्कुल है ना हां ओके जी इसका सवेरा सवेरा का कल और परसों का पहले आप मेकअप दिखाइए ताकि हम आगे डिस्कशन कर सकें सवेरा को इस वक्त नेमल मिली एज अ ब्राइड देखिए भाई सवेरा का पिछला मेकअप अच्छा अच्छा नेमल ने बेशक नो मेकअप किया लेकिन यहाँ इनकी जो लिप्स हैं वो शिमरी हैं मैट नहीं है आपने बिल्कुल मैट कर दिया आईज हाँ हाँ माइक में बोलो मैम ने कहा शिमर नहीं लगेगा ग्लिटर नहीं ग्लिटर नहीं शिमर तो शिमरी तो थोड़ा सा पीछे कर देती हाँ पीछे मैं भी ऐड या पीछे नहीं तो चलो ग्लिटर में और शिमर में आप लोग समझते हैं फर्क हाँ ग्लिटर वो है जो अफशां वाला लुक आता है जैसा इन्होंने लगाया हुआ है और शिमर वो है जो हल्का सा शाइन आती है जो आपके पास शिमर वाले जो आईशैडोज है ना मैट कर देती लाइट डल गोल्ड सा कुछ दे दो ताकि दुल्हन तो लगनी चाहिए ना उन्होंने लगाया हुआ है शिमर ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेकअप नहीं किया है आईज पता नहीं हां हां पूछ लो हां थोड़ा सा ग्लो आना चाहिए ये तो आपकी मेंटोर है आप इनसे पूछ सकती हैं हां दूसरा आपने लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क लगाई है और फैमिली डिफरेंट है आपने पिंक यूज किया है वो पीच है पीच है तो आपको यही तो माइनर डिटेल्स हैं जिनका ख्याल रखना है ना सही है ठीक है थैंक यू जी हम जा रहे हैं शानजे के शांजे का रेडी है या लिप्सना का और बड़े कलर शांजे ओके हाँ हाँ वो उसके पास आ जाए हाँ जी ओके जी शांजे का मैं चाहूंगी कि पहले और दूसरे दिन का काम देख लें आप लोग
ऑन स्क्रीन है शांजे का पहले और दूसरे दिन का काम आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब शांजे का आज का, शांजे के पास नेमल आई है, आंखें बंद करें। नेमल को इन्होंने बहुत ग्लैमरस बनाया, ग्लैमरस, वेरी ग्लैमरस है ना, पार्टी मेकअप कर दिया, ब्राइडल नहीं करके बचा, ये पार्टी, ये पार्टी हो रही है। बट नेमल का पार्टी मेकअप टाइप ही लगता है इतना, नहीं ये जो डिस्को दिया है डांस पार्टी वाला, अच्छा ये नहीं था नेमल के, ग्लिटर बॉडी डांस पार्टी में अच्छा लगेगा और चमक रही होगी, है नादिया तुम्हारे वाले ग्लिटर्स लगा के। वैसे ऑनेस्टली द शेड दैट शी इज गिवन इज वेरी नाइस, वेरी मजे की बात ये जो मुझे एज व्यूअर लग रहा है कि ग्लैमरस लुक के साथ एक सॉफ्ट लुक भी मॉडल में आपको प्यारी मिली है। अच्छा इनकी और इनकी शक्लें मिल दी सकते हैं, दोनों बहनें। ओके आइए जी। हाँ जी तो भाई ये है सना, इसका सना का पहले और पीछे भाई सना ने कमाल ही कर दिया, सना ने दिल पे ले लिया ना, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। देखो सना, इसका मतलब कभी कभार क्रिटिसिज्म आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पहले और दूसरे दिन का मेकअप देखे सना का, जरा जरा गौर करें। पहले दिन का तो खैर अच्छा था, कल भी अच्छा था थोड़ी, लेकिन आज तो बहुत अच्छा है, मतलब इसका मतलब इनको डेंजर जोन में डालना बिल्कुल सही फैसला था। नेमल, नेमल जो है मेरा ख्याल से, मुझे तो नेमल का भी बेस इतना ज्यादा ब्लेंडेड नहीं लग रहा था जितना इसका है। और आप से खाना नहीं खाया है मैंने, चलो अच्छा पतली हो गई ना, 1.5 किलो कह रहे थे खाना खाया, इस तरह से नहीं करते, हार जीत होती, लेकिन बस मुझे ना बहुत एकदम मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया था, लेकिन अब रिलैक्स होकर सब कुछ कर कर आई हूँ बस, और मसल्ले पे बैठ के दुआएं, तो बहुत तहज्जुद की नमाज, दुआएं हाजत वगैरह। लेकिन आप ये देखें कि माशाल्लाह आपने कौन सी बेस लगाई, इसकी बेस बहुत ब्लेंडेड है, मैं वेरी नाइस चाहूंगी, वेरी नाइस। कौन सी बेस का इस्तेमाल किया है? मैंने पाउडर फाउंडेशन का यूज किया है, दिखा सकती हो? पाउडर फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन को, ये कोई नई चीज मुझे सुनने में आ रही है, बेस का एक इम्पैक्ट बहुत प्यारा है। कोई बात नहीं, मैं उठा देती हूँ। हाँ बेस मैंने कहा दिखाओ जरा। आई थिंक निधा देयर आर सो मेनी लोकल प्रोडक्ट्स जो के अवेलेबल है इन द मार्केट में के लिए। हाँ बहुत अच्छे, और हम लोग तो खैर कभी हाथ पे सेट है ये, और ये मेरे लोकल के अलावा भी यूज करती हूं, एमएम भी यूज करती हूं, लेकिन ये मैंने आज इस पे काम किया, मेरे लाइफ पाउडर। ये कैसे लगाते हैं? जैसे पानी में, पानी में मिक्स करके लगाते हैं ये, देखो ना एक बस डायरेक्ट, नहीं नहीं इससे पहले भी लगाते हैं। अच्छा इससे पहले क्या लगाया? वो सारा सीक्रेट नहीं बता रही, वो बेचारी अपने सीक्रेट बता बता कर उन्होंने हर चीज बता दी। ये क्या है? मुंह से ना कोई एक और लाइट सा, ये क्या है? शेफर का है ये जी, ये ना मूज बेस है ना, लाइट सा माइनर सा मैंने लाया, शेफर इज अ पॉपुलर ब्रांड, उसके बाद मैंने पाउडर फाउंडेशन का यूज किया है। ये शेफर पाकिस्तानी ब्रांड है? जी जी, लोकली अवेलेबल, पाकिस्तानी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोकली अवेलेबल है। क्योंकि कितने की मिलती है? मैंने ज्यादा स्टॉक उठाया था, अभी मैंने 35,000 का सामान यहाँ पर आने के लिए लिया था। ये मुझे याद नहीं है, वो लिस्ट देते ना एक, तो फिर मुझे ना याद नहीं है कितने का बना दिया, 1000 के अंदर तक का है, 1200 का होता है। नॉट बैड यार, जो इंपैक्ट आप देखें कितना, ओहो ये अंग्रेजी वो वाला इम्पैक्ट है, अरमानी वाला। तो कितने का होगा ये? ये कैरी हजार, मतलब शेफर ब्रांड है, और जो इसकी एप्लीकेशन है वो मैं बहुत अच्छी, तभी तो मैंने कहा बेस देख के हैरान होगी, जब जितने भी कॉन्टेस्ट में आज तक लोग आए मुझे किसी की बेस इतनी पसंद नहीं आई है। चलो भी एक दिन तो मेरा भी करना। हाँ जी मैं एक छोटे सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से पहले आप लोगों को टास्क दिया जा रहा है हेयर का, तो लगे रहो लड़कियों, हम वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, 20 मिनट्स फॉर हेयर स्टाइलिंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जज साहिबान बैठे हैं, चाय पापे खा रहे हैं मेरे सामने बैठ के, जला रहे हैं, किसी के घर ऑमलेट की खुशबू आ रही है, किसी के घर भुजिया बनी हुई है, किसी के घर रात की रोटी है गर्म करके आप खा रहे हैं, मुझे सब पता है। लेकिन साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कर रहे हैं वो है आपकी जजमेंट, क्योंकि इन लोगों का करियर आपकी जजमेंट पे बेस करता है। 12 मिनट 10 सेकंड्स रह गए हैं सबके पास, 3 टास्क थे, सोहाई अली आब्रो का जो ब्राइडल मेकअप है उसे कॉपी करना था, ईमान अली का ब्राइडल मेकअप कॉपी करना था, और नेमल खावर का
नेमल हमजा अली अब्बासी का मेकअप कॉपी करना था। आइए ये बालों की तरफ है और मैं एक दफ़ा जिनके पास सुहाई अली आबरो का मेकअप आया है उनको ज़रा दिखाना चाहूँगी कि वीडियो चलाऊँगी सुहाई की ताकि आप लोग गौर से देख सकें प्रॉपरली कि उसका मेकअप कैसे हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। तो जी ये है वो लुक। टाइमिंग मुझे बता चलेगी, अभी टाइमर लगाएं जी, क्या टाइम कितना टाइम रह गया है मेरी कंटेस्टेंट्स के पास और कितना टाइम है। ये तस्वीर और वीडियो लगाने से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी आपकी मेकअप में। 6 मिनट कितने रह गए, 9 मिनट 9 मिनट रह गए हैं हेयर स्टाइलिंग में। अगर आपकी हेयर स्टाइलिंग ख़त्म हो गई है तो आप अपने मेकअप को एक फिनेस लुक दे सकते हैं ताकि फिर हम आपके साथ अपने ऑडियंस के साथ मिलकर जजमेंट कर सकें और फिर एक कंटेस्टेंट आज चली जाएगी। एलिमिनेशन राउंड नज़दीक है, 8 मिनट 40 सेकेंड। हाँ जी, हम खड़े थे उधर सना के पास। सना को के बेस मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने ख़ास उनसे पूछा कि सना प्लीज़ अपनी बेस दिखाओ। अब सना बिजी है। सना मुझे शिमर का बताओ किधर है, मैं निकालूंगी, तुम अपना काम करती रहो। शिमर कौन सा वाला यूज़ किया है, मैं शिमर भी दिखाना चाहूँगी, तुम्हारा शिमर भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बस बस दे दो मुझे, मैं दिखा दूँगी, तुम अपना काम में लगो, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूँगी। ये क्रिस्टीन का शिमर और ये इसमें है, ये एक पैलेट है जिसमें कॉन्टोर वॉन्टोर सब है जी। और ये देखिए अच्छा। जो अच्छा। देखिए मेकअप आर्टिस्ट अगर अच्छा हो तो वो लोकल ब्रांड हो या वो वेस्टर्न मतलब बाहर की ब्रांड हो, फॉरेन ब्रांड हो, अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं अच्छा तो आप उसे दुनिया जहान का कोई भी मेकअप आर्ट उठा के दे दें वो नहीं कर सकेगा। तो ये इन्होंने पाकिस्तानी ब्रांड को यूज करते हुए टेक्निक जो है ना निदा, हमने हाँ। हमेशा मेकअप की जब जितनी भी मेकअप के शोज हुए हैं तुम्हारे यहाँ जितने भी शोज हुए हैं हमेशा हम लोगों ने यही बात की है कि आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए। प्रोडक्ट चाहे जो भी हो हाँ। टेक्निक आपके की अच्छी होनी चाहिए हाँ। प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपका काम आसान हो जाता है। yes, लेकिन वगैरह वो आसान हो जाती है। आपके आई शेडोज अगर अच्छी क्वालिटी के हैं, फॉल आउट नहीं है, तो वो ब्लेंडिंग बड़ी खूबसूरत होगी, वरना पैची पैची सी ब्लेंडिंग होगी क्योंकि वो आपका आई शेडो का फॉल आउट और आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगता है। तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं, आपके ब्रशेज आपको हेल्प करते हैं। मैं हमेशा यही आके कहती हूँ कि ये ब्रशेज आपकी औजार हैं, ठीक है। तो और जो भी है वो आपकी आपका आपकी टेक्निक मैटर करती है। अच्छा आप लोग चाहेंगे और मैं किसका पूछूं कि वो कौन कौन से, चलो मैं इसका भी पूछती हूँ क्योंकि तुमने जो आई शेडो लगाया है ना यार वो बताओ, वो मैं दिखाऊंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो तुमने ग्लिटर दी हुई है ना वो, हाँ जो ग्लिटर एक ऊपर लगाई जिसकी वजह से सॉफ्ट और ग्लैमरस लुक आ रहा है। इसको खरीदने के लिए पिंडी जाना पड़ेगा। ये कौन सी ब्रांड है आई शेडो निदा, इसको खरीदने के लिए पिंडी जाना पड़ेगा। क्यों, ये है क्या मतलब कहाँ की है? पिंडी कमर्शियल मार्केट की है। पिंडी कमर्शियल मार्केट, चलो पिंडी वाले तो खरीद लें। हाँ, पिंडी वाले खरीद सकते हैं। ये कुछ ऐसे है मतलब आपको मेकअप खरीदना भी एक फन है। एप्लीकेटर के साथ ये वाली वो ग्लिटर है, ये वाली जो इन्होंने आँख में लगाई ब्रांड टाइप ग्लिटर है। हाँ, अगर आपको पिंडी नहीं जाना तो नादिया हुसैन के इसमें से ले लेंगे, कलर मिल जाएगा। हाँ, मैंने उस दिन जब क्लास दी थी तो मैंने नादिया का लिक्विड वाला शिमर यूज किया है ना, अमेजिंग। तो ये देखें ये वाली, ये बहुत प्यारा कलर है और ये आंखों पे कितना अच्छा लग रहा है लाइनर के साथ। ये आइडिया मिल गया मतलब इन लोगों से भी आप मेकअप सीख सकते हैं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं। और जो जो मुझे चीज़ें अच्छी लग रही है ना वो मैं और पूछती हूँ लोगों के लिए। हाँ जी, सबको डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। 5 मिनट 39 सेकेंड्स लेफ्ट। अच्छा, तुमने जो लगाया शिमर, तुम्हारे उसमें दो कलर्स के शेड जा रहे हैं, वो एक ही है कि दो अलग है? एक ही दिखाओ, वो कौन सा वाला है, क्योंकि उसमें रेड ग्रीन बहुत सारे शेड्स आ रहे हैं। ये देखें, अच्छा ये किसका है? ओहो, ये काशी का है ग्लिटर और इसने आंखों पे लगाया है, उसमें कोई रेड कलर आ रहा है, कोई ग्रीन आ रहा है, कोई गोल्डन आ रहा है। तो मैं कहती थी वाह ग्लिटर तो बड़ा अच्छा लगा है, तो इसने काशी का ग्लिटर खरीदा हुआ है। ये लगाती किस चीज़ के साथ हो, चिपकाती किस चीज़ के साथ हो? हाँ, किसके साथ चिपकाया है ये, किसके साथ चिपकाया? गम है कोई, कौन सी? ये भी काशी की गम है। अच्छा, ये गम लगाते हैं उसके ऊपर, ये फिर शिमर चिपका है। ओके, मुझे तुम्हारी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही कि तुम्हें पास माइक नहीं है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, कंटिन्यू।
अच्छा ओके ओके फाउंडेशन नादिया हुसैन की ब्रांड का. हाँ फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है ओवरऑल. यार तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, माइक किधर गए? बेचारी बोल रही है. हाँ मिल गया मिल गया. ओके मैडम के सैलरी बहुत अच्छा है लिया था भाई, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है. मतलब मैंने परसों भी वो कल भी यही यूज किया है और आज भी यही यूज किया है. लॉन्ग लास्टिंग की बेचारी की पता नहीं लैशेज भी लाई थी मैं कल, मेरे यहाँ लाइफ में लैशेज गुम हो गई हैं और वो मैंने वहीं से लेती और इतनी अच्छी लैशेज थी. 4 मिनट रह गए, लगानी पड़ी है. 4 मिनट रह गए, दे दो मुझे. आंखें बंद करो टीका सीधा करो. यास्मीन तुमने लैशेस कौन सी लगाई? ये लो 3D की. 3D मिंट 3D मिंट 3D ओके. और लिपस्टिक का शेड दिखाओ यास्मीन, तुमने बनाया है या बनाया है? कब दिखाओ, अब तुम फ्री हो गई तो दिखाओ कौन कौन से कलर्स को मर्ज करके बनाया है. लिपस्टिक का शेड बड़ा मजे का लग रहा है पूरा, तुमने ना कपड़ों को मैच करते हुए बनाया है. लाओ मुझे माइक दो, नहीं मुझे शेड दो. तुम दुल्हन ये पकड़ लो माइक, गाना गाती रहो. अच्छा तुमने एक है तुम्हारी, ये कौन सी है? हुदा का है. हुदा का है जी. अच्छा हुदा का कलर ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक जी. हुदा का स्ट्रोक है ये, बहुत प्यारा स्ट्रोक है. और ये है तुमने पहले क्या किया, इससे बेस लगाई जी. हाँ ये कहाँ का है? ये क्लैरिज़ोना. ये क्लैरिज़ोना का एक शेड है बड़ा, मैं आपको शेड भी दिखाती हूँ क्योंकि लिपस्टिक का शेड बड़ा प्यारा बना है. देखो यास्मीन तुमने पहले ये लगाया नीचे जी. जरा क्लोज करेंगे, कौन सा वाला कैमरा है, कौन सा कैमरा है? हाँ ये यास्मीन. और देखो तुम, मैं सही कर रही हूँ जी. इसके ऊपर एक मिनट, इसके ऊपर तुमने ये लगाया है, ये लगाया है. ये देखिए कितना, अगर स्ट्रोक सुधा के बड़े ज़बरदस्त होते हैं भाई. लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर कलर ही चेंज हो गया बिल्कुल, इम्पैक्ट जिस तरह का उसका गरारा वरारा है वो ही आया. रिजल्ट वेरी नाइस. 2 मिनट 35 सेकेंड्स लेफ्ट. ये लो, लाओ भाई माइक लो, दिखाओ भाई. और किससे क्या पूछूं, जो मुझे अच्छी लग रही है ना चीज़ वो मैं पूछूं. तुम मुझे बताओ तुमने जो लाइनर है वो कौन सी कंपनी का इस्तेमाल किया है? तुम्हारी लाइनर और तुम्हारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है ना, तो मुझे बताओ. शाहीन जल्दी से दिखाओ. 2 मिनट 14 सेकेंड्स लेफ्ट. से मैंने ब्लेंडिंग किया है काजल, एक्वा से जी. और काजल कौन सा लगाया है? उसी के साथ. और दिखा दो ना, दिखा के नहीं रही, बहुत टूटा फूटा है क्या? दिखाओ ये. हाँ आप कैमरे के आगे साथ मैंने ये और ये मिला के मच किया है. दिखाओ जरा, पकड़ो ये जी. ये देखिए भाई, ये कौन सी है? जैकलिन हिल. ये मॉर्फी का है, ये इस पे आ जाता है अपना नेट पे. जैकलिन ऑर्डर कर सकते हैं, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है. हाँ. और मॉर्फी ने उसके साथ कोलैब करके ये पैलेट निकाला है. ये काफी मशहूर पैलेट है. हाँ. ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है. हाँ. मगर इसकी कॉपीज भी बहुत है, 6,000-8,000. हाँ हाँ इसकी कॉपीज भी बहुत. ये मैंने 1000 का लिया है. 1000 का लिया कॉपी है. अच्छा ओ ग्रेट. अच्छा ये वाली चीज हुई है, इन्होंने ये वाला लाइनर इस्तेमाल किया जो इन्होंने वो क्वार्टर पे मैंने लिया. ये ट्रायलन का लाइनर जी. ट्रायलन का लाइनर लिया है. और शेड बताओ दोबारा, तुम ही बता दो खुद, मैं दिखा देती हूँ शेड बता दो. शेड मैंने इसका और इसका मैंने आगे मच किया है. ये तीनों का, ये तीनों का तुमने लाइनर लगाया और जो ब्लेंडिंग है वो इन तीनों शेड से की है, ब्राउन के शेड से. ये देखे करीब. हाँ ये देखे, ये 1, 2 और 3 नजर आ रहे हैं. 1, 2 और 3 इन तीनों कलर से ब्लेंडिंग की है तो वो दुल्हन इतनी प्यारी इसलिए लग रही है. वेरी गुड. 50 सेकेंड्स लेफ्ट. दिखाओ. ओहो वेरी नाइस. हेरा आज तो तुम चमक रही हो. वाह वाह वाह. ये यकीन माने मैं बहुत आज खुश हूँ कि हमारी ज्यादातर कंटेस्टेंट्स ने बिल्कुल प्रोफेशनल मेकअप किया. ऐसा लग रहा है कि लाइक रियल दुल्हने हैं और कोई बहुत कम फ्लॉज नजर आ रहे हैं. मैं बड़ी खुश हूँ कि इस दफा हमने बड़े अच्छी सिलेक्शन की है कि मतलब तकरीबन सब बराबर ही काम करे, 19-20 आगे पीछे कोई होगा. मुकाबला सख्त है. मुकाबला सख्त हो जाता है जब सबका मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब माशाल्लाह सब. हाँ माशाल्लाह सब पहले से ही फ्री होके खड़े हुए. ठीक है अब हम वहाँ से शुरू करते हैं, जरा चले सब पीछे होते हैं. हाँ. और यहाँ ईमान पकड़ लो.
हमारा के पास दुल्हन थोड़ी खड़ी तो होती, खड़ी हो जाता अच्छी लगूगी। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, ये फिक्स तो नहीं है ना, ऐसे करते हैं। चलो जी, हाँ जी, पलके झुकाओ जरा, और उसके बाद ईमान की तरह ही करो ऐसे, जैसे इसमें होंठ खोले ना यूं करके। नादिया करके बताओ कैसे करते हैं। ये तो नेचुरल इसकी पाउट है। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी एकदम कैसे है। हमें शूट भी कर ले, हम जब से एक्टिंग कर रहे हैं एक्टिंग का दौरा चढ़ गया है। हाँ ये जो तो आप तुम वैसे ही करो जैसे मैंने किया है। हाँ यस यस सही है। देख लिया जी जजेस कुछ कही है आप लोग। अच्छा मैं अगर मेंशन करूं कि मेरी तो ये अंडर है, मेरी टीम में है, मैंने उसको बालों का भी बोला था तो बाल बना चुकी हुई थी तो टाइम नहीं था, लेकिन ये मैंने कहा था कि इसकी काफ़ी बैक कॉमिंग है बालों में और यहाँ से बड़ा जो है ना इसका उठा हुआ सा है और बड़ा वॉल्यूम है इसके बालों में। Can I just tell her a little bit? Sure. देखिए आपने गुजरना था ना ये देखिए आपने ना ये टिपिकल जो आपके जहन में था आपने वही किए, इसमें बाल ऐसे हैं ये देखिए जुड़े हुए दूसरी साइड से जुड़े हैं और बैक कॉमिंग जो है वो यहाँ से भी होनी चाहिए थी, आपने यहाँ से बिल्कुल फ्लैट कर दिया और ये दोनों चीजें अलग हो गई हैं। ये इस तरह से जुड़े हुए होने चाहिए, यहाँ बैक कॉम करके आपको बिल्कुल स्मूथ लेके जाना था और फिर हल्का इस तरह से आपको उसको खींच देना चाहिए था। यहाँ पे आपके बाल बिल्कुल फ्लैट हैं और आपने ये जो डोनट यहाँ लगाया है, ये आप डोनट अगर यहाँ लगाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो लुक है वो आ जाता है। चलो भाई ठीक है, आ जाओ यास्मीन की ब्राइड भेजे। या तो ये कि पहले तुम इतनी तो मेहनत कर रहे हो, पहले सारी ईमान वालों को बुला लेते, सब ईमान वालों को जाना है तो नहीं नहीं अब कोई बात नहीं, अब मैंने कर लिया और मैंने खुद से पहने, आज मुझे तुम मजदूरी भी करा लो, कुछ भी कर लूंगी मैं, हील में प्रॉब्लम होती है। ओके हाँ जी, सुहाई का मेकअप है यास्मीन के पास, ठीक है तुम थोड़ा इसके करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, तुम इतना डर क्यों रहे, सुहाई कुछ नहीं बोले। हाँ पीछे से वो भी नजर आ रही है ना, आपने सेंटर पार्टिंग टेढ़ी निकाली है और टीका जिसकी वजह से टेढ़ा लग रहा है इनका बाल बिल्कुल ज्यादा फ्लैट, और आपको पता है जब टीका टेढ़ा लग जाए और मुझे अभी वैसे ही मैं नोटिस कर रही हूँ कि इसकी सेंटर पार्टिंग के साथ ना बैक नहीं पीछे की तरफ है, सेंटर पार्टिंग के साथ पीछे है बाल यूं करके, थोड़ा सा लिफ्ट है देखिए नादिया, हाँ थोड़ा सा लिफ्ट है और छोटी सी बीच की मांग है करके बाल ना। And also the lipstick is not similar, but chalo agar aapne kapde ko kapde ko rakhe diya to we can as long as she's followed the trend, but just the hair is a little achi glossy kar di hai lipstick to bahut acha lag raha hai, sahi hai, overall it's fine but it's just the hair tedi mang nikali hai aur ye bahut bada flaw hota hai, tika teda muh teda lagta hai tasveeron mein, baith jao suhai wali aa jaye bhai, aa jao suhai wali aa jao, hera फिर आप भी लड़की खुद क्यों आ गई अकेली, तो मैं क्या वो भी थी, हाँ एक एक करके आ जाए, एक एक करके फिर अकेली आ रही है ना, मतलब मेरा बहन हम होस्ट हैं उधर चली जाओ मैं कहाँ जाऊँ, उसने कहा शो मैं कंडक्ट कर रही नहीं मैं पीछे से बोलूँ तो लंगे पीछे से। हाँ जी ये हेरा जो है इनको टास्क मिला था सुहाई का, और आंखें बंद करें सर, क्लोज बनाए, टू शॉट बना लिए ना, अब इसका क्लोज बनाए। हाँ जी जजेस वेरी मच सिमिलर है बट थोड़ा सा अगर सेंटर से और बैकोमिंग हो जाती तो उठ जाता, मगर फॉलो वही किया है जो स्टाइल है बाल जिस एंगल से बालों को बनाया है बिल्कुल सही है, ऊपर देखो लेकिन थोड़ा सा काजल थोड़ा और गाढ़ा होना चाहिए वाला, ये नीचे का अंडर आई थोड़ा सा डार्क और हो जाता तो सिमिलरिटी आ जाती, लेकिन वैसे अच्छा है, वैसे अच्छा है, नॉट बैड, आ जाओ फॉलो किया, लिप कलर भी फॉलो किया, ग्लॉस नहीं की, आज एक शाहीन को निमटा ले, शाहीन की दुल्हन दिखा दो, ये भी सुहाई का कप इनको मिला था, दिखाएं देखें जरा, हाँ दिखाएं, कहाँ जा रही हो, हाँ ओके अब दुल्हन का क्लोज दिखा दे प्लीज, जजेस कहिए
अगेन आईज के नीचे अगर थोड़ा सा और डार्क कर देती तो अच्छा रहता, कंपैरेटिवली उससे बेहतर डार्क है। लिप कलर बहुत अच्छा फॉलो किया है। अगेन वही बाल थोड़े से सिमिलर नहीं है, ऑब्वियसली ऐसे हंस रही है ना, आप भी ऐसे हंस। She's doing it. Yes, she's copying her very, very nice. Yeah. Okay, तो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। शाहीन ने काफी अच्छा काम किया है। एक ब्रेक के बाद आपकी फोन कॉल्स होंगी और हमारे जजेस कोई 3 या 4 आई डोंट नो इन सबको भेजेंगे डेंजर जोन में और फिर आपकी जजमेंट ये बताएगी कि कौन टाटा बाय बाय होगा आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, चूलो आसमान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सिलसिला शुरू हो गया है अब जजमेंट का। हमारे जजेस ने 3 कंटेस्टेंट्स को डेंजर जोन में भेजा है जो मैं आपके सामने ला खड़ी करती हूँ और आप फिर धड़ाधड़ अपना दिमाग चलाएं और बताएं कि किसको आज शो से जाना चाहिए। जी, पहली कंटेस्टेंट जो हमारे जजेस ने चुनी है वो है अमारा। आइए प्लीज थोड़ा सा और आगे हो जाए। दूसरी कंटेस्टेंट जो हमारे जजेस ने चुनी है वो है सवेरा और तीसरी कंटेस्टेंट जो हमारे जजेस ने चुनी है वो है मोना कामरान। हाँ जी, बस आगे नहीं आओ, थोड़ा सा पीछे। ओके, इससे पहले कि आप अपनी जजमेंट शुरू करें मैं बताना चाहती हूँ, दुल्हन है इनके मेकअप की वजह से तो प्यारी लग रही, लेकिन अनस समी के जो कपड़े हैं वो भी इन्हांस करें इनकी ब्यूटी को और ज्वेलरी है केएस कलेक्शन की, मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी। केएस कलेक्शन बाय किरण सादिया, थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने जो उभरती हुई कंटेस्टेंट्स हैं, जो ब्यूटिशंस हैं, उनके उनको हेल्प आउट किया है अपने कपड़े मॉडल्स को पहना के। जी नाजरीन, अब फैसला शुरू होता है आप लोगों का। आइए कॉल करें, मुझे बताइए क्या आपको अमारा की दुल्हन ऐसी लग रही है जिसको निकाल देना चाहिए, क्या आपको सवेरा की दुल्हन ऐसी लग रही है कि जिसको आज चले जाना चाहिए, या आपको मोना कामरान की दुल्हन ऐसी लग रही है कि जिसको चले जाना चाहिए। आइए शुरू करते हैं कॉल्स लेना। फातिमा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ यार, मैं एक आंख बंद करके आपसे बात करूंगी। मेरी आँख बहुत अच्छी लग रही है हमेशा की तरह। नहीं, मेरी लेंस कुछ गड़बड़ कर रहा है। आपने आप हमेशा जजेस कहते हैं हमें, तो मुझे एक ऑब्जेक्शन है आज। आप बोले 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 वो ये देखिए इतना माशाल्लाह सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट ये जो आज टास्क आपने दिया ना, आप हमेशा देती हैं इतना का टास्क। तो अभी बिनिश ने भी कहा ये बात कि सबके फीचर्स अलग होते हैं और सबके फीचर्स अलग होते हैं और इसके अलावा कॉम्प्लेक्शन भी डिफरेंट होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं किसी को कॉपी करना ये पॉसिबल नहीं है। लॉजिक मैंने आपको बताया कि ब्राइड्स आती हैं बकायदा और कहती हैं हमें ऐसा मेकअप कर दो, तो उससे मिलता जुलता जैसे हमने बीच में भी बात की, देखिए वैसा मेकअप तो किया, हमारी एक कंटेस्टेंट थी उनके लिए हमने कहा था कि इन्होंने शांजे ने वैसा मेकअप तो किया लेकिन अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, जो शिमर उन्होंने यूज़ किया वो उनकी मॉडल की आंखों पे कितना प्यारा लग रहा था। निर्मल का मेकअप लेते हुए उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी ऐड इन की, तो ये है ब्यूटिशियन का काम और इसीलिए लॉजिक देकर हमने आपको आज का इन लोगों को आज का टास्क दिया। अब आप जल्दी से चूज करें कि इन तीनों में से मोना कामरान, सवेरा या अमारा कौन एलिमिनेट होना चाहिए। मोना का नाम लूंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सलाम, मैं सवेरा को एलिमिनेट करना। थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। महा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक, आप कहिए किसको एलिमिनेट करेंगी। आप बहुत टायर्ड लग रही हैं आज। मैं आज मेरी आंख में बहुत दर्द है। मैं आपको देख भी नहीं सक रही हूँ, दर्द हो रहा है बहुत। हाँ बताओ किसको एलिमिनेट करोगी। मोना को। मोना को, ओके जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो अमरीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
कैसी हो? बिल्कुल ठीक जी अमरी, किसको एलिमिनेट करेंगी? मैंने जो फर्स्ट वाली है उसको। फर्स्ट वाली दो है, अगर आप उधर से शुरू करें तो मोना है, इधर से शुरू करें तो हमारा है। अब मुझे क्या पता आप कौन सा फर्स्ट कह रही हैं? नहीं नहीं जो आपके साथ है। मेरे साथ तो हमारा है, जिन्होंने गड़बड़ बाल बनाया ये वाली। ओके हमारा ही, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे साथ जो है। ठीक है नौरीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम निदा, मुझे बहुत पसंद है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत प्यारी लग रही है और मैं आज अमारा को एलिमिनेट करना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट अमारा, अमारा का नाम लिया उन्होंने जी। महवेश अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। महवेश वालेकुम अस्सलाम, मैं सवेरा को एलिमिनेट करना चाहूंगी। सवेरा के लिए एक वोट आया एलिमिनेशन के लिए जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। उरूज अस्सलाम वालेकुम, किसको एलिमिनेट करोगी? मैं सवेरा। सवेरा के लिए वोट आ गया एक जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हमना, आमना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग नीदा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं भी ठीक, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू जी। कहिए किसको एलिमिनेट करें? मैं अमारा को एलिमिनेट करना चाहूंगी। ठीक है नेक्स्ट कॉलर प्लीज। रिफत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, मैं जिला रविंदर खान से बात कर रही हूँ। हेलो जी, मैं सुन रही हूँ। मैं पीछे वाले को निकालना चाहूंगी। किसके वाले को? निदा के जो पीछे है, मेरे निदा के पीछे अमारा है। अमारा को वोट करेंगे निकालने के लिए जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। नजमा सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जी। नजमा किसको एलिमिनेट करेंगी? मैं अमारा को। ओके जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। कौन है? सादिया सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कौन है? सादिया सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप नीदा बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। किसको एलिमिनेट करेंगी आप? नीदा बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। बताओ वोट, बताओ वोट। मोना, हाँ मोना की, मोना को वोट करेंगे जी। शबाना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मैं मोना को। अच्छा जी, मोना का नाम लिया इन्होंने। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। अमारा अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, किसको एलिमिनेट? मैं मिसबा बात कर रही हूँ जी। मिसबा कहिए किसको एलिमिनेट करेंगी? जी मैं अमारा को एलिमिनेट। ठीक है, अच्छा वो अपना नाम नहीं बता रही थी, वो एलिमिनेशन करने वाली का नाम बता रही थी जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो रुबाब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। थैंक यू, थैंक यू। किसको एलिमिनेट? मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। वाओ जबरदस्त। जज साहिबा किसको एलिमिनेट करेंगी? मैं हिबा को। हिबा है ही नहीं बहन, कौन से प्रोग्राम में कॉल किया ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए ये मोना है और ये सवेरा है और ये अमारा है और हिबा सो रही है घर में। क्या क्या देख रही हो? हेलो हेलो कहाँ गई, भाग गई वो तो डर के मारे। ओके सॉरी रॉन्ग नंबर। सिद्रा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम निदा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अक्सर लोग ऐसा करते हैं आपका शो देखते हैं और बस ऐसे ही बता देते हैं, किसी के बारे में भी जजमेंट करते हैं, पर ना ये गलत बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज आप उनको कहें कि पूरा शो देखकर फिर किसी के बारे में करें, ऐसे किसी का करियर दांव पे लग जाता है। और मैं एलिमिनेट करूंगी हमारा को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू जी। कौन है? फरजाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग फरजाना, किसको निकालूं? अमारा को, अमारा को। ठीक है जी, आज तो बड़ा सख्त मुकाबला है, मुझे तो याद ही नहीं है किसके ज्यादा वोट्स हैं। हाँ मतलब तकरीबन सेम से मारा है, मतलब हम तुम लोगों की तरह हम भी परेशान हैं और हमारी तरह ऑडियंस भी परेशान है जी। नेक्स्ट कॉलर ज़ारा अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा बाय बाय।
शगुफ्ता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको निकालूं? शगुफ्ता, शगू, अमारा को। अमारा को, ओके जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। किसको निकालोगी? मैं मोना को। आपने मोना को वोट किया, गुड मॉर्निंग जी। नेक्स्ट कॉलर सारा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं अमारा को करूंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर हुस्ना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। किसको निकालोगी? जी मेरा नाम उज्मा है। जी उज्मा। जी मैं सवेरा करूंगी। ठीक है, थैंक यू। कितनी कंफ्यूजन है, कभी किसी एक का नाम आता है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। वोटिंग भी ऐसे ही हो रही है, बराबर बराबर आ रहे हैं अभी तक जी। नेक्स्ट कॉलर खतीजा, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं सफेरा को करूंगी। क्या कह रही हो, हंसे जा रही हो? गुड मॉर्निंग, मैं सफेरा को करूंगी। सवेरा को, छोटी सी कोई बच्ची है जी, सवेरा को चूज किया इन्होंने जी। नेक्स्ट मिसेज रफीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। हाँ, किसको वोट करेंगी? मैं भी अल्लाह का शुक्र, मैं वोट करूंगी, मैं अमारा को करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर जारा, जारा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जारा किसको सिलेक्ट करेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अमारा को वोट करना चाह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर बात ही नहीं करूँ जी। साइमा सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम निदा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। किसको वोट करेंगी? मैं अमारा को। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। महविश अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम निदा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। किसको वोट करेंगी? निदा मैं ना मोना को वोट करना चाहूंगी, उसको एलिमिनेट करना चाहूंगी। ठीक है, थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉलर, हाँ जी, क्या स्कोर है अभी तक भाई, मुझे बताते चलो। सानिया अस्सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम निदा, क्या हाल है? ठीक हूँ। बताएं किसको वोट करेंगी? मेरा भी, मैं सवेरा को निकालना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, सवेरा का नाम लिया इन्होंने जी। इकरा अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं किसको वोट करेंगी? हैरत है बस, सच्ची में मैं हैरान हो रही हूँ। मैं आई थी तो मैंने कहा था मैं अपनी आंखों पे ऐसे बाल डाल लूंगी क्योंकि मेरी एक आंख रेड हुई हुई है। हाँ चलिए, अच्छा मैं ऐसे ही बात करती हूँ जी। बताएं किसको वोट करेगी? किसको वोट करेंगे? किसको? सवेरा को। किसको? सवेरा, सवेरा। ओके, सवेरा को वोट करेंगी जी। फातिमा अस्सलाम वालेकुम, हम कितनी कॉल और ले सकते हैं? ओके जी, सवेर, क्या नाम है, क्या नाम है? फातिमा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, मैं फातिमा, मैं अमारा को वोट करना चाह रही हूँ। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर नूर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। किसको करोगी एलिमिनेट? जी पहले आप मेरी बहन मलिहा को हाई कर दें। हाय मलिहा, कैसी हो? ठीक है, मैं मोना को वोट करना चाहती हूँ। चलें ठीक है। हाँ जी, लास्ट कॉलर वजीहा, तुम हमारी लास्ट कॉलर हो, मांगो क्या मांगती हो, किसको वोट करोगी? जी मैंने एक बात करनी थी। हाँ? मैंने एक शेयर लिखा है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, कंवल खोकर 4 पे, प्लीज जरूर देखिएगा। कंवल को आपके लिए? अच्छा हाँ जी, कंवल खोकर 4 है आईडी। फॉलोअर्स बढ़वा रही हो है? मेरी इंस्टा आईडी पे जाएगा, क्या नाम है इंस्टा का? कमल, कमल खोकर 4। आपके लिए एयरवे के लिए आज शाम को अपलोड करूंगी, प्लीज जरूर देखिएगा। चलो भाई तुम लोग भी सब अपने अपने इंस्टा बता दो। ओके जी, किसको वोट करोगी? इंस्टाग्राम आईडी बताई तो है। ओ बहन, क्या हो गया है मेरी बाजी, वोट करो, इनकी जिंदगियां दांव पे लगी हुई है। हाँ अमरीन, तुम बताओ यार, वो तो अपने में लगी हुई है कमल। हाँ भाई। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सवेरा को निकालना चाहूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। फेसबुक पे भी एसएमएस कर सकते हैं, अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त स्कोर क्या हुआ है? ओके ओके,
जी जजेस, आप गेस करें जरा क्या स्कोर होगा वोटिंग का? समझ नहीं आ रहा, वोटिंग भी गेस करें तो क्या लगाओ? अमारा, अमारा। आपको लगता है अमारा है, आपको भी लगता है अमारा है, और नादिया आपको क्या लगता है? इक्वल इक्वल आ रहा था तो क्या हाँ। क्या लगता है आपको किसका वोट ज्यादा होगा निकालने के लिए? मोना, मोना है अमारा के साथ, मोना है अमारा। सबसे कम वोट्स मोना के निकालने के। हाँ, अमारा आई थिंक। अमारा और सवेरा में से किसको आपको आपको लगता है कि अमारा चूज किया है? अमारा। आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, अमारा को आज एलिमिनेट किया है हमारे जजेस ने, हमारे ऑडियंस ने। आज डेंजर जोन में सवेरा, मोना कामरान और अमारा थी। सवेरा तुम कौन सी दफ़ा गई हो डेंजर जोन में? दूसरी दफ़ा तुम तो नहीं गई मोना ना अभी तक, तुम पहली दफ़ा गई हो। अमारा तुम भी दूसरी दफ़ा थी, लेकिन अमारा की आज लक काम नहीं की क्योंकि दूसरी दफ़ा डेंजर जोन में जाने के बाद ये एलिमिनेट हो गई। तो आज की जो एलिमिनेशन राउंड की हमारी एलिमिनेशन राउंड की विनर है वो है अमारा। चलो कोई बात नहीं, कभी हम ऊपर से पास होते हैं, कभी नीचे से पास होते हैं, कोई मसला नहीं। और तुम्हारा काम कितना इम्प्रूव हुआ है पहले से, है ना? तीन दिन तक तुम टिकी रही बहन, नहीं उदास तो नहीं हो, रोना तो नहीं आ रहा। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए चूलो आसमा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। इस वक्त मैं एक बहुत ही स्पेशल ब्रांड का जिक्र करने वाली हूँ जो मैंने पैदा होते ही मेरे कानों में वो गूंजती थी उसकी आवाज़ें, और वो खास महीने के सौदे में ज़रूर हर किसी के घर में आती है। तारुफ तो थोड़ा सा कराना पड़ेगा, लेकिन मैं जैसे ही लाल शरबत का नाम लूँगी तो आपके जहन में सबसे पहले नाम आता है रूह अफ़ज़ा का। उसी से रिलेटेड कुछ हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ। यहाँ बैठे मेरे पास दो गेस्ट हैं, एक तो जी हैं लीड सिंगर कुमैल अनम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, मुझे आपका तारुफ इस तरह कराना पड़ेगा क्योंकि जब बच्चे नए नए फील्ड में आते हैं तो वो अपने माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हैं, फिर जब उनका नाम इतना बन जाता है फिर वो उनका नाम जो है उनकी वजह से ये कहा जाता है, अच्छा ओ ये उनके अब्बा हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि कुमैल अनम जो इस वक्त मेरे पास लीड सिंगर के तौर पर यहाँ बैठे हैं वो खालिद अनम साहब के बेटे हैं। बड़े हो के छोटे हो? छोटा, छोटे वाले बेटे हैं ये। और ये जो गाना रूह अफ़ज़ा की तरफ से आया है जिसका नाम है जिंदगी मुबारक, ये गाना आपने ही गाया है ना? बिल्कुल। साथ साथ मैं इंट्रोडक्शन कराना चाह वाली हूँ अपने दूसरे गेस्ट का जिनका नाम है शहरयार पाशा, जो हैं डिप्टी डायरेक्टर ब्रांड्स एंड मार्केटिंग रूह अफ़ज़ा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप मतलब लाइक पिछले तीन महीनों से हम ये गाना देख रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी नसीहतें, बहुत ही अच्छी बातें बताई गई, और इसका नाम इतना मज़े का है, हाँ, जिंदगी मुबारक। यानी कि इस वक्त कोरोना के दौर में तो वाकई हम सबको यही कहेंगे जिंदगी मुबारक। बिल्कुल, जो आप सेहत याब है, जान है तो जहान है, बड़ा अच्छा मैसेज इसमें दिया गया है। आप खुद पीते हैं आप दोनों रूह अफ़ज़ा? जी हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है रूह अफ़ज़ा, लीमू के साथ खास। अलग अलग तरह से लोग पीते, कोई दूध में मिला के पीता है कोई, तो आपका कभी इत्तेफाक हुआ रूह अफ़ज़ा पीने का? रूह अफ़ज़ा तो सब पीते हैं ना, है ना? मेरे ख्याल से, हाँ। मैं तो पीता हूँ बहुत शौक से, हाँ। खासकर दूध के साथ, दूध के साथ बहुत पसंद, है ना? बच्चे बड़े सबका ही पसंदीदा है, सबका। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है जो भी ब्रांड अपना कोई सॉन्ग या जिंगल लेकर आती है तो उसमें हर वक्त ब्रांड का ही नाम होता है, लेकिन आपके इस गाने में ब्रांड का कोई नाम नहीं है, रूह अफ़ज़ा का नाम नहीं है, बल्कि आपने बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी नसीहतें की हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बिखेरो या खुशियाँ समेटो, उदासी में कान को मड़ोड़ो। जी हाँ, देखिए हमने ये ज़रूरी समझा, उदासी के कान को मड़ोड़ो, सब सॉरी अच्छी शायरी में क्यों ख़राब करूँ। हमने ये ज़रूरी समझा कि ब्रांड के नाम को हैमर करने से ज़्यादा एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो देना ज़रूरी है। हाँ। तो इस मैसेज को देने के लिए ब्रांड को हमने पीछे किया। जिंदगी जो है वो लम्हों से बनती है। बिल्कुल। और लम्हों में जो मिठास है वो आती है पॉजिटिविटी से, हाँ। और प्यार से, हाँ। तो हमने कहा कि ये जो इसका अहम मैसेज है इसको आगे लेकर आएं और इसी को आगे लोगों तक पहुंचाएं, और ब्रांड को जो है थोड़ा सा कम रखें ताकि लोग जो हैं जो अपनी खुशी के लम्हात हैं वहाँ पर जब भी ज़िंदगी मुबारक का लम्हा है तो रूह अफ़ज़ा उनके पास ऑटोमेटिकली याद आ जाए और उनकी खुशियों में रंग भर दे। गाना तो सुने ना हम जरा, यहाँ बैठे हुए हमारे पास लीड सिंगर, तो क्यों ना फिर हम कुमैल से गाना सुने।
हो जाए बिल्कुल। कहाँ से चले हम, कहाँ तक आ गए, ये कितनी पुरानी कहानी है, कुछ पता नहीं ये छोटा सदन है, बड़े से ख्वाब हैं, क्या करना है आगे पता तो है कि दुनिया ये फानी है, मुस्कुराहट बिखेरो खुशियां समेटो, उदासी के कान को मरोड़ो, अपने दिल में नफरतें न छोड़ो, अपनों से मुंह न मोड़ो, नेमत बटोरो, जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक हो तुमको हम सबको। वाह भाई जबरदस्त। आपको खुद कैसा लगा ये गाना को? मैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जब इन्होंने पहली बार मुझे कांटेक्ट किया था इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो मुझे एज सच कोई आइडिया नहीं था कि क्या कॉन्सेप्ट होगा। मुझे लगा एक नॉर्मल जिंगल होगा, यू नो लाइक एवरी अदर एड। बट जब मैंने गाना सुना, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ और बहुत ही अच्छा कंपोज हुआ, और मुझे तो इस किस्म की म्यूजिक वैसे भी बहुत अच्छी लगती है जॉनरा, तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी ऑनर्ड के इन्होंने। तो कुमेल, तुमने गा तो लिया गाना, लेकिन जो शूट कराया इसको, 7 डिग्री हाँ सेंटीग्रेड मौसम था, बर्फबारी में बैठ के बीच में गिटार बजाना, गाना आपको पता है, रूह अफ़ज़ा पीना और उसके बाद गोला गंडा बना के वो बर्फ में खाना, बहुत मुश्किल था, मगर आखिर में अच्छी मेमोरीज भी बनी, मजा भी बहुत आया। एक्चुअली मैंने इससे पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी, तो माय फर्स्ट टाइम। आप समझे कि बस मैं कराची की सर्दी मेरे लिए बहुत होती है, और फिर हम इस्लामाबाद जब पहुंचे तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब इसके बाद ऊपर भी जाना है। ऊपर गए तो -7 में, तो आप बस सोच लें कि क्या हाल हुआ होगा मेरा। जब आप किसी बड़ी ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी वैसे ही हाई होती है, तो एनर्जी का हमने फायदा उठाया कुमेल के साथ, तो माशाल्लाह से काफी अच्छी शूट रही है। ओए होए होए होए। अच्छा, क्रिएटिव एजेंसी कौन सी थी इसके पीछे? हमारी क्रिएटिव एजेंसी ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग है। अच्छा। जब वो इस आइडिया के साथ आई तो हमें भी बहुत आइडिया अच्छा लगा। जिंदगी मुबारक की जो लाइन है हम काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रांड का ग्रैंडियोर है, इस दफ़ा हम कुछ नया करना चाहते थे। रूह अफ़ज़ा जो है हर घर की कहानी है, रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान का कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी ये चाह रहे थे कि जितने खूबसूरत इसके अल्फाज हैं, उतनी अच्छे इसके विजुअल्स भी हों जो इससे मुताबकत रखें, और हम चाहते थे कुछ वो सारे लम्हे जहाँ पर ज़िंदगी मुबारकबाद देनी चाहिए वो इस गाने के अंदर हो। ये तो बहुत अच्छा सोचा है। हाँ, कितने कितने टाइम में आइडिया मैच्योर हुआ कि ये वाला कर रहे हैं? आइडिया बिल्कुल ऑन पॉइंट था, हमें गाने ने तो पहले ही हमारे दिल जीत लिए थे, इसलिए बहुत सब कुछ जो है जल्दी से एग्जीक्यूट हो गया। मेरे ख्याल में सिर्फ 15 से 20 दिन लगे। ओके जी हाँ। अच्छा, गर्मियों के मौसम में तो रूह अफ़ज़ा पिया जाता है, रमज़ान के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, मगर क्या सर्दियों में भी लोग इसे कंज्यूम करते? जी हाँ बिल्कुल, सर्द इलाकों के अलावा सर्दी के मौसम में भी ये इस्तेमाल होता है गर्म मशरूबात में। ठंडे मशरूबात में तो डिफरेंट रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, और गर्म मशरूबात में दूध जो है वो दूध अफ़ज़ा के साथ आप पीते रहे हैं, और इसके अलावा जो है कश्मीरी चाय के साथ इस्तेमाल होता अच्छा। है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो हमने अपने मैगजीन्स और फेसबुक पेजेस के ऊपर डाली हुई हैं, तो वहाँ पर ये पब्लिश होती रहती हैं, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिशेस और डेजर्ट्स के अंदर भी रूह अफ़ज़ा डलता है। तो अच्छा, टीवीसी जो है उसमें भी आपकी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ की जो है वो आइडेंटिटीज़ दिखाई गई हैं, तो दुनिया भर में आपकी मार्केटिंग कहाँ कहाँ होती है? देखें, 32 से ज़ायद ममालिक में तो इस वक्त रूह अफ़ज़ा जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ पर अच्छा। इतनी डिमांड है कि वहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो बाकायदा हमने अपॉइंट किए हैं। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, वहाँ भी रूह अफ़ज़ा किसी ना किसी तरीके से पहुँच रहा है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 32 से ज़ायद ममालिक में अभी करंटली हम जो है रूह अफ़ज़ा बेच रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनको भी ऑनर करने के लिए हमने जो है इस एड के अंदर जो है वो शामिल किया है, तो यूरोप, अमेरिका, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, इन सब जगहों पर रूह अफ़ज़ा जा रहा है,
और यही तमाम नेशनैलिटीज जो है हमने गाने के अंदर भी जो है वो कुछ शामिल की है। जबरदस्त जबरदस्त फीडबैक कैसा मिला गाने का? बहुत अच्छा था फीडबैक, बहुत अच्छा था। और एक्चुअली बहुत ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, कभी ऐसे कोई टीवीसी के साथ वही वाली बात है आपने बोला कि ब्रांड का नाम भी नहीं है गाने के अंदर, तो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट और लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं गाने से, सो इट मेक्स पीपल हैप्पी। और वैसे भी आजकल के टाइम में तो जरूरी है समथिंग, जिंदगी मुबारक बड़ा अच्छा मैसेज है आजकल। हमारे पास भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, काफ़ी लोग इसको सराह रहे हैं, खासतौर पे बेशुमार लोगों ने कहा है कि जो इसका कोरस है वो बहुत आसानी से जहन नशीन हो जाता है। तो हम खुश हैं और फख्र महसूस करते हैं कि हमने एक ऐसा गाना दिया जिसकी लोगों को जरूरत थी और इस वक्त। थैंक यू सो मच, आप लोगों का शुक्रिया जी। तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है कल भी आप हमारे साथ होंगे क्योंकि इसी तरह आप पूरे वीक को लेके चल रहे हैं और जजेस बनकर आप बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक धमाकेदार प्रोग्राम के साथ। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़।